Finally, it's vaccination day. This week was so long because I had to wait till Thursday to get my vaccination. मुझे संडे को स्लॉट मिल गया था. कैसे मिला वो भी बताती हूँ. आई गॉट अलर्टेड बाई पेटीएम. बट फॉर पीपल इन मुंबई एंड दिल्ली इज यू लिटरली हैव टू टेक अ डे आउट एंड सिट ऑन द कोविन ऐप एंड कीप रिफ्रेशिंग टिल यू गेट दिस ग्रीन स्लॉट एंड बुक इट. आर वैक्सीनेशन स्लॉट वॉज 9 to 11. तो हम 7 बजे ही उठ गए थे. आई डिडंट टेक अ शावर. हैड अ प्रिटी हैवी ब्रेकफास्ट. मेक श्योर यू हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज वैक्सीनेशन में टाइम लगेगा. एंड दिस इज द सिंपल आउटफिट दैट आई वेंट फॉर. अ टी शर्ट जिससे वैक्सीनेशन आराम से लग सकती है. हाफ स्लीव टी शर्ट. नथिंग फैंसी बिकॉज वैक्सीनेशन लगवानी है और घर आके नहाना है. फॉर स्किन केयर आई ओनली हैड अ सनस्क्रीन. पापा हमें ड्राइव कर रहे थे. बाकी आशु और मेरा तो स्लॉट ही था वैक्सीनेशन का. सो या लेट्स गो. आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो आउट ऑन अ ड्राइव एज वेल. वैक्सीनेशन सेंटर थोड़ा दूर था. एंड दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू मस्ट कैरी. अ सर्फेस डिसइंफेक्टेंट, अ सैनिटाइजर, वाटर बॉटल्स एंड अ फेस शील्ड. इट्स एक्चुअली नॉट कंपल्सरी बट मैं घबराई हुई थी. एंड थोड़ी दूर आगे जाके आई रियलाइज दैट आई फॉरगॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द आधार कार्ड. सो वी हैड टू ड्राइव बैक टू द हाउस गेट द आधार कार्ड. Finally, honestly, the highlight of the day was the fresh air that I got to experience because सुबह I think 8:30 बज रहे थे. मैं तो आधे रास्ते सो रही थी बिकॉज ए मैंने पिछली रात बिल्कुल नहीं सोया था बिकॉज ऑफ एंजाइटी एंड बी आई एक्चुअली स्लीप वेरी वेल इन कार्स. लाइक आई कांट स्टे अवेक. एंड दैट इज द बिल्डिंग वेयर वी हैव टू गो फॉर वैक्सीनेशन. I have to say I was pretty impressed with how well managed everything was. Social distancing thi, chairs alag alag rakhi hui thi. Everything was going fine until this happened. More about this later. Hame finally ek slot number mila but ek random banda hame utha ke leke chala gaya and line mein khada kar diya. So yay, we didn't have to wait for even 5 minutes. I actually am very scared of needles. तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ. बस भगवान का नाम लिया है एंड बस वो हो गया. It's just a matter of 4 seconds वैसे भी. This hardly took like 15 minutes, 15 minutes to go. Ishita. And we're done. जितना मैं घबरा रही थी ज़रूरत पड़ी. काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज थी. कुछ लोगों ने लड़ाई करी, थोड़ी प्रॉब्लम हुई बट ठीक है. टोकन के लिए दिक्कत आई. हाँ हाय. आई थिंक मैंने इस पूरे व्लॉग में तमीज से कैमरा में बात ही नहीं करी है. सो घर आके शार ले लिया हमने, हम दोनों ने. ऑब्वियसली हेड शार लेना बहुत ज़रूरी था इस टाइम पे. एंड अभी हम अपने कपड़े धुलने के लिए डाल रहे हैं. बाकी चीज़ें मैं सैनिटाइज कर रही हूँ. आई थिंक हमारा एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड. द हॉस्पिटल वी गॉट एट द लास्ट मिनट वॉज रियली गुड. इट वॉज अ कोविड हॉस्पिटल. मैं थोड़ी घबराई हुई थी बट द वैक्सीनेशन सेंटर इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल बिल्डिंग. लाइक रोड क्रॉस करके अलग जगह है. मेरी मॉम भी यहाँ के कोविड हॉस्पिटल में ही गई थी वैक्सीनेशन के लिए. दैट्स कॉल्ड लोक बत्तू. बट उस टाइम पे द थिंग इज पीपल कुड वॉक इन फॉर वैक्सीनेशन इज वेल. अब एक वीक में ये सब बंद हो गया है तो द पीपल हु हैव बुक द स्लॉट्स थ्रू कोविन ओनली दे आर अलाउड टू गेट द वैक्सीन. सो वो अच्छा हुआ. उस चक्कर में पूरे कैंपस में लोग कम थे. बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी बिकॉज
सम पीपल जो काफी लेट आए थे वो पहले ही भाग के वैक्सीन लगाने लग गए थे एंड पीपल हु आर वेटिंग देयर सिंस 8 AM were angry about it and they sort of fought with the people from the hospital. But वो कह रहे थे कि आप बैठिए, एक घंटे में सबका आराम से हो जाएगा. बट जो जल्दी आया था उसको बहुत जल्दी थी. हम तो लाइन में लगे नहीं रहते, वी वर लाइक आराम से बैठ सकते, कोई जल्दी नहीं. आई एम नॉट गोना फाइट वहाँ जाके कि हम जल्दी आए थे. वो ठीक है यार, एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर जॉब. अगर आप जा रहे हो तो यार लाइन में बैठ लग जाना यार, थोड़ा बैठ जाना स्लॉट के लिए, कुछ नहीं जा रहा है. टॉकिंग अबाउट माई सिम्टम्स, अभी आई एम टायर्ड. Not because of the vaccine. मैं कल रात सोई नहीं हूँ. I just feel मुझे यहाँ दर्द है because मैं शैम्पू करते वक्त भी हाथ ज़्यादा नहीं उठा पा रही थी. बस यहाँ इस वाले पॉइंट के ऊपर कर रही हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है इस टाइम पर. बट वो दर्द ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ही अनबेरेबल सा दर्द है. इट्स वेरी मच बेरेबल. सो या बाकी मुझे कुछ होता है तो मैं बताती रहूँगी. And I think I forgot to mention, we got Covishield. Any vaccine that you get at this moment is perfect. Just get vaccinated. That should be your priority. बाकी मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ. I'm really sleepy. I'm gonna sleep. Later that day. Wow. I think I'm checking in after really long. मैं 2 घंटों के लिए सो गई थी, which is great. अभी I don't feel very sleepy, but I do feel weak. I feel like मुझे हल्का सा फीवर हो रहा है. Wow, I love this धूप on my hair. Guys, appreciate the natural beauty. मेरे बालों की. Clearly, I'm sleepy. I am not in a condition to talk. क्या कह रही थी. आई थिंक आई एम एक्चुअली प्लानिंग कि मैं एक पैरासीटामॉल ले लूँ बिकॉज आई एम फीवरिश. आई कैन फील माई बॉडी गेटिंग वार्मर. दैट्स इट. एंड मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं एज आई एम ओल्ड. सो आई एम गोना हॉप बैक इन एंड हैव अ फ्रूट. आई लाइक ये बारिश के बाद वाला धूप. क्विक अपडेट, आई डू फील फीवरिश एंड इसको भी फीवर है. आखिर गर्म होगा ना. बहुत हल्का सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट प्रिकॉशनरी पैरासीटामॉल तो वी आर गोइंग टू टेक. आई एम गोना हैव सम मैंगोज, उसके बाद मैं पैरासीटामॉल लूँगी. मेरा भाई जो यहाँ लेटा हुआ है, इधर आओ. हाय बोलो. थप्पड़ मारूंगी आशु. क्या हुआ? शक्ल दिखा के जाओ. नहीं नहीं नहीं. तो वो लंच कर रहा है जो मैंने सोने से पहले कर लिया था बिकॉज आई एम अ गुड गर्ल. आई डोंट थिंक सो आज का दिन कुछ भी और होने वाला है. वी जस्ट ईट एंड रेस्ट. बिल्कुल खराब नहीं हुआ, बहुत अच्छा है. आ जाओ. एकदम फ्रेशली राइप है. हाँ, आई एम अ वेरी लेजी. आई एम अ वेरी लेजी पर्सन व्हेन इट कम्स टू कुकिंग. तो मैं मैंगो भी ऐसे ही खाने वाली हूँ. ये मेरी मम्मी ने बोला था कि जब तरबूज ऐसे खा रहे हो तो ये भी खा लो. दीज आर माय पेरेंट्स जो खाना डिलीवर करने आए हैं. ओके, आई थिंक मैंने कल रात से अपना हेल्थ का अपडेट भी नहीं दिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लीपिंग लास्ट नाइट वॉज अ टास्क. आई फेल्ट सो अनकम्फर्टेबल. मुझे फीवर था, आर्म में पेन हो रहा था, बढ़ता चला गया वो. माई लेग्स हर्ट सो मच एंड द वर्स्ट पार्ट इज यू नो दैट लोअर बैक का पार्ट जो विच ओनली पेन्स वेन यू गेट योर पीरियड्स, इवन दैट इज हर्टिंग सो बैड. मुझे लिटरली रात में लगा था कि ओ माई गॉड, आई थिंक आई एम गेटिंग माई चांस, बट आई चेक्ड, नहीं हुआ अभी तक. आई एम ग्लैड फॉर इट. आई कैन नॉट
मैनेज पीरियड्स अभी इतना सो लिया है कि मैं 5:30 से उठ गई हूँ. आई डोंट हैव द एनर्जी टू कम आउट बट मुझे भूख लग रही है. यस आई एम लेजी. मैं कुछ भी फ्रूट्स काटना नहीं चाहती. आई एम जस्ट गोना हैव इट विद अ स्पून. बहुत कन्वीनियंट हो रहा है. वर्स्ट थिंग इज मुझे ऐसा लग रहा है सारे सिम्टम्स सिर्फ मुझे हो रहे हैं. मेरा भाई बहुत चिल है. लाइक आई एम हैप्पी इज फाइन बट सब मुझे ही हो रहा है. खा के मैं फिर से लेट जाऊँगी और क्या करूँगी. आई वॉज थिंकिंग ऑफ मेकिंग सैंडविच बट फिर मुझे लगा मैं किचन में सो जाऊँगी. तो दिस इज व्हाट आई हैव. यू नो मैं इसलिए व्लॉग्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ. आई फील आई एम वेरी बोरिंग एंड आई शुडन बी अलाउड टू डू डेली व्लॉग्स. अब मुझे लग रहा है इस व्लॉग में तो आई एम जस्ट क्राइंग एंड क्रिबिंग. आई हैव टू से आई फील बेटर कुछ खा के. सो किड्स कीप ईटिंग हेल्दी. और बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है. किसी और को ऐसे सिम्टम्स हुए. आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स डिड गेट फीवर एंड पेन इन देयर लेग्स. आई थिंक मेरा सर दर्द भी है भारी है बट उतना नहीं है. आई थिंक आई हैव द मोस्ट पेन इन माई लोअर बैक एंड माई लेग्स एंड आई थिंक आई हैव मेड माई आर्म वर्स बिकॉज मैं सोती हूँ ना तो मैं उल्टा सोती हूँ लाइक ऑन माई टमी. तो उसमें आई थिंक मैंने प्रेशर डाल दिया इस आर्म पे बिकॉज इट हर्ट सो बैड कि ये इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा. द ओनली गुड थिंग अबाउट स्लीपिंग सो मच इज दैट माई डार्क सर्कल्स एज यू कैन सी आर गॉन. मतलब है ऑब्वियसली बट डूड सी थोड़ा सा इट्स स्वोलन बट इट्स मच मच बेटर. गाइस गुड स्किन का राज इज गुड स्लीप. सो बाय. Hi everyone. मेरा भाई बर्तन धुल रहा है. So welcome to Cooking with Ishita, a cooking show nobody asked for, but you will get in the vlogs. मम्मा ने मुझे आलू के पराठे बना के भेजे हैं जो मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है. Like I had two parathas, but I needed something special. So I'm gonna try making. इस रेसिपी का नाम नहीं है. बहुत ही देसी स्टाइल ब्रेड पिज्ज़ा जिसके ऊपर पनीर की टॉपिंग होने वाली है. आई हैव पिज्ज़ा पास्ता सॉस बेसिक सीजनिंग जो चाहिए होती है ये तो वो है एंड चीज ब्रेड. आई रियली विश वी हैड मोज़रेला चीज़. क्या नहीं नहीं कुछ साफ नहीं है. अगर बीच में बोलते बोलते मेरा गला सूखने लग गया तो आई विल बी क्वाइट एंड मैं वॉइस ओवर कर दूंगी सब कुछ क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ बोलते बोलते भी. इट्स लाइक मेरी जीभ डजंट वांट टू मूव. सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इंडियन मसाला मिक्स जो मेरी मम्मा बनाती है. आई नो हर चीज के डब्बे में कंफ्यूज मत होना. वैसे बहुत सारा खड़ा मसाला है और मैं लास्ट लॉकडाउन से ऑलमोस्ट हर चीज में डालती हूँ. लाइक अगर मेरे मिडनाइट स्नैक्स आर ऑलवेज पनीर या फिर एग या समथिंग एंड आई विल ऑलवेज हैव दिस इन इट. सो या ओके टेस्ट चेक टेस्ट रिव्यू व्हाटएवर. पहले मेरे भाई खा रहे हैं वहाँ पे. कैसा है? अच्छा है. मुझे लग रहा था मोज़रेला चीज़ नहीं है ना तो वो नहीं. हाँ क्योंकि चीज़ तो है मतलब चीज़ ही चीज़ नहीं है बट यू कैन गेट द चीज़ वाला फ्लेवर स्प्रेड की वजह से. I'm happy. So my mom just came and हमने lunch देके गई है. Actually I woke up literally 20 minutes ago. Brush किया है बस. ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आई कैन हैव अ वेरी हैवी लंच फाइनली. एंड आज लंच के साथ शी मेड पकौड़ा. आई थिंक वो नॉर्मल वो जो कढ़ी वाले पकौड़े नहीं होते बेसन और अनियन वाले वो है. मेरा हैव दीज बट जब आशू उठ जाएगा तब. एंड अपडेट आई फील
वेरी फ्रेश टुडे, लाइक आई फील वेरी वेरी फ्रेश टुडे. कल रात भी आई वॉजंट फीलिंग वेल, आई हैड टेम्परेचर, आई फेल्ट वीक, सो आई टुक अ पैरासीटामोल आफ्टर डिनर. And I woke up again at 5:30, which was a disaster. I didn't get up from my bed. I was like, मुझे और सोने की ज़रूरत है. And I did that. And so I woke up at 11:30. Woohoo! I like this schedule. I think I'm gonna continue doing this. Like I will throw away my phone from my bed and sleep at least for 8 hours. I have to do it. अभी मुझे कोई बॉडी पेन भी नहीं है. आई डोंट, मैं बोल भी अच्छे से पा रही हूँ, ट्रस्ट मी. आई थिंक आई माइट हैव डेवलप्ड सम एंटीबॉडीज बिकॉज आई फील फ्रेश. टच वुड, आई होप सो, ठीक है. एंड ऑल्सो माई हैंड इज मूवेबल. मुझे ऐसे ऐसे इतनी दूर भी अभी दर्द नहीं हो रहा. अब हल्का सा दर्द, अब हल्का सा पिंच हुआ है यहाँ पे. सो या आई कैन मूव माई बार. आई I finally took a shower and I feel so fresh. Oops. Sorry. It has been more than 48 hours. Like abhi I think 2 baj raha hai. Mujhe vaccine lagi thi 9:40 ke around subah 2 din pehle. 48 hours plus ho chuka hai, but I'm going to wait for one more day. Aaj I obviously feel much better. I'm going to wait and let's see aaj kaisa hota hai. Abhi I'm going to go back to working because finally meri aankhein pain nahi kar rahi hai when I'm looking at a screen. So yes. Hi. So finally you are seeing me a little more presentable, dressed up and in a different set of clothes. So I'm shooting this outro ek hafte baad. I got my vaccine on Thursday. Today is the next Friday. So talking about my entire experience, as you can see मुझे फीवर था, बॉडी एक था, हेडेक उतना नहीं था, बट बाकी सब कुछ था. आई ऑलमोस्ट थॉट दैट आई एम ऑन माय चम्प्स, व्हिच डिडंट हैपन. आई थिंक आई गॉट माय पीएमएस थोड़ा एक वीक पहले बिकॉज टुडे आई गॉट माय पीरियड. सो लोअर बैक पेन कुड बी बिकॉज आई वाज अबाउट टू गेट माय पीरियड, पर उतनी जल्दी पेन मुझे होता नहीं है, बट ठीक है. सो ट्यूजडे के बाद से आई स्टॉप्ड शूटिंग माय वैक्सीनेशन वाला व्लॉग बिकॉज I didn't have any symptoms. Like magically aisa laga tha sab kuch normal ho gaya tha. I woke up on Tuesday feeling very fresh and uske baad se I have resumed my work till Friday because now I have my periods. But theek hai, we are going to manage periods, so normal cheez hai. So vaccination se darne ki koi zarurat nahi hai. Jo symptoms hain, actually wo symptoms hai bhi nahi, it's just a way your body is reacting to the vaccine. I mean thoda fever and thode सिम्टम्स आना इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. इट्स मैक्स 2 दिन तक आपको वो सिम्टम्स रहेंगे. आपको फीवर रहेगा, फीवरिश फील होगा, वीकनेस रहेगी, उसके बाद यू विल बी बैक टू नॉर्मल. आई एम जस्ट गोना आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस जो मुझे आए थे. आर द डॉक्टर्स आस्किंग इफ वी हैव अ कंडीशन ऑलरेडी, लाइक अ मेडिकल कंडीशन? नहीं, हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया था. इज एनी वन अलाउड अदर देन यू गेटिंग वैक्सीनेटेड? हमारे सेंटर पे ऐसा कुछ भी नहीं था. यू नो वो पार्टीशन लगी हुई थी, उसके अंदर सिर्फ एक बंदा जा सकता था. सो नोबडी कुड एक्चुअली गेट अ पिक्चर क्लिक बाय गेटिंग वैक्सीनेटेड एज वेल. आई थिंक सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है. हाउ डिड यू गेट द स्लॉट इन लखनऊ? सी लखनऊ में हर सिटी का अपना अलग ही रूल चल रहा है. लखनऊ में व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज हर बार संडे को स्लॉट्स खुलते हैं, एटलीस्ट फॉर 18 to 45, एंड वो पूरे वीक के लिए खुलते हैं. सो जस्ट बी वेरी एक्टिव ऑन कोविन ऑन अ संडे. आई थिंक 9-10 बजे के अराउंड से स्लॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड प्लस आई हैड रजिस्टर्ड ऑन पेटीएम, तो मुझे तो पेटीएम के थ्रू अलर्ट आया एंड देन आई गॉट अ स्लॉट. लखनऊ में इट्स पेटीएम इज स्टिल वर्किंग बिकॉज पूरे एक वीक के स्लॉट्स एक साथ अवेलेबल होते हैं. तो अगर अलर्ट 1-2 मिनट लेट भी आता है तो मे बी मंडे या ट्यूजडे का आपको स्लॉट ना मिले. मुझे थर्सडे का मिल गया था. ऐसे काफ़ी लोगों को मंडे का भी स्लॉट मिला है थ्रू पेटीएम. सो या डू वी नीड टू बुक फॉर सेकेंड डोज ऑन कोविन ऐप इट्सेल्फ और वी कैन डायरेक्टली गो टू द सेम सेंटर? नहीं, सब कुछ कोविन ऐप के थ्रू ही हो रहा है. माई फादर गॉट हिज वैक्सीन विदाउट रजिस्टरिंग. वो डायरेक्टली एक प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे, बट अब उस प्राइवेट हॉस्पिटल के पास वैक्सीन है ही नहीं, तो ही हैड टू रजिस्टर ऑन कोविन, जिसमें ऑलरेडी आधार कार्ड और उनके नंबर के साथ रजिस्टर्ड था द डेट वेन ही गॉट द फर्स्ट वैक्सीनेशन. एंड फॉर सेकेंड वैक्सीनेशन ही रजिस्टर्ड इट थ्रू आरोग्य सेतु. मोदी अपने इंडिया में वैक्सीन की ज़रूरत थी, उसे नहीं करके अदर कंट्रीज़ में क्यों बेच दिया? ब्रोकन राइटर 03, मुझे क्या पता, मैं इसकी पीए थोड़ी लग रही हूँ. एंड अगर आप आंसर्स का वेट कर रहे हैं, इट्स लाइक वेटिंग फॉर अच्छे दिन. दैट इज़ समथिंग दैट यू विल नेवर गेट. सो वैक्सीनेशन अगर आपकी सिटी या स्टेट में है, जस्ट लगवाओ, भाड़ में जाए बाकी पॉलिटिशियंस. डू यू हैव ब्लड क्लॉट एट द प्लेस वेर यू वर इंजेक्टेड? माई मॉम हैड इट इवेंचुअली, इट वेंट नॉर्मली. या मुझे दर्द था, आई थिंक क्लॉट जैसा कुछ नहीं था, मुझे दर्द था, अब इट्स कम्प्लीटली गॉन. Everybody who's asking how are you, pain कब तक हुआ,
वैक्सीन लगाने में कितना दर्द लगा. यार मुझे दर्द नहीं होता है वैक्सीन लगवाने में. आई जस्ट आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ नीडल्स. लाइक बचपन में मैंने इतने ड्रामे किए हॉस्पिटल में टिटनेस का इंजेक्शन ना लगवाने के लिए भी. लाइक दो तीन नर्सेस को आना पड़ता था मुझे पकड़ के इंजेक्शन लगवाने के लिए. तो या आई एम जस्ट स्केयर्ड ऑफ इंजेक्शन. मुझे पेन से नहीं, इट्स जस्ट दैट फीलिंग कि कोई इतनी बड़ी नीडल स्किन में घुस रही है. बट दिस इज़ नॉट योर रेगुलर इंजेक्शन, यू हैव टू गेट इट. प्रिकॉशंस बिफोर एंड आफ्टर वैक्सीनेशन, फूड एंड मेडिकेशन में आई वुड से अच्छे से खा पी के जाना, बिकॉज वैक्सीनेशन में टाइम भी लग सकता है. पानी रख लेना वैक्सीनेशन लगवाने के बाद. प्लीज़ टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग. मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं था, फिर भी आई केप्ट ऑन ईटिंग फ्रूट्स एंड आई केप्ट माई सेल्फ हाइड्रेटेड. मैं पानी बहुत ज़्यादा पी रही थी. मेरा बस घर का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट आई स्टिल हैड टू रोटीज ईच टाइम. फूड इज़ गोना हेल्प यू अलॉट, बिकॉज योर बॉडी विल फील थोड़ा सा वीक. फीवरिश तो फील होगा ही, वीक फील होगा. लाइक अच्छे से नॉर्मल खाना खाओ. एज सच मैंने कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं किया था. आई वॉज जस्ट कीपिंग माई सेल्फ फुल एंड मैं बहुत सो रही थी, विच वॉज अमेजिंग. मैंने कभी उतना नहीं सोया होगा, आई थिंक पूरे लॉकडाउन में मैंने उतना नहीं सोया होगा जितना मैंने उन दो दिनों में सो लिया था. एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट, सो आई लाइक्ड इट. कमिंग बैक टू मेडिसिंस, वी ओनली टुक पैरासीटामॉल बिकॉज मुझे दो दिन तक काफ़ी टेम्परेचर था. बाकी मुझे हेडेक वगैरह कुछ भी नहीं था. आई वुडंट सजेस्ट कि आप वैक्सीन लगवाने के बाद खुद ही पैरासीटामॉल लेके बैठ जाओ. काफ़ी लोगों को सिम्टम्स नहीं थे, सो दे डिडंट इवन हैव टू टेक अ पैरासीटामॉल. ज़रूरी नहीं है कि लेके बैठ ही जाओ. वेट फॉर योर बॉडी टू रिएक्ट इन अ वे दैट यू नीड द मेडिसिन. अगर आपको फीवर हो रहा है तब पैरासीटामॉल लो और रेस्ट करो यार दिन भर. फिर वैक्सीनेशन का डर मत रखो अपने दिमाग में प्लीज़. आई वुड से बी प्रिपेयर्ड कि आपको आपकी बॉडी माइट रिएक्ट टू इट थोड़ा एक्सट्रीम में. आई नो मैं पूरे व्लॉग में बहुत क्रिप करी थी कि मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, बट दैट्स बिकॉज आई वॉज वीक एंड आई वॉन्टेड टू क्राई. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्लीज डोंट गेट वैक्सीनेटेड. प्लीज, वॉट आई वेंट थ्रू इज वन ऑफ दोज एक्सट्रीम्स. हर किसी को इतने सारे लाइक फीवर नहीं हो रहा है, बट इट्स वेरी कॉमन एज वेल. जस्ट बी प्रिपेयर मेंटली कि दो दिन तक आपका काम अफेक्ट हो सकता है आफ्टर वैक्सीनेशन. एंड ट्रस्ट मी, पीपल आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एज वेल. लाइक मैंने थर्सडे को वैक्सीन करवाई थी एंड आई मेंशनड इट टू ऑल माई पीआरस कि आई वोंट बी अवेलेबल फॉर कॉल्स एंड एनी वर्क बिकॉज आई गॉट वैक्सीनेटेड. एंड लिटरली एवरीबडी वाज लाइक, ओह माय गॉड, यू गॉट अ स्लॉट. यू, इट्स लाइक विनिंग अ लॉटरी एट दिस मोमेंट. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सबको पता था कि दो तीन दिन तक आई माइट नॉट बी अवेलेबल एंड दे वेटेड. मुझे फिर कॉल्स एंड मेल्स आई थिंक मंडे से आना स्टार्ट हो गए थे. दे ऑल्सो अंडरस्टूड. आई अंडरस्टैंड सबका ऑफिस कल्चर इज डिफरेंट, बट जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि हाँ दो तीन दिन के लिए यू माइट नॉट बी दैट अवेलेबल फॉर वर्क. आई होप दिस व्लॉग, वैक्सीनेशन व्लॉग, वो स्पानिता. कोई डरने की बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ. ट्रस्ट मी, माई फादर हु इज़ ऑलमोस्ट 53 or 54, उन्हें दोनों डोजेस के बाद कुछ भी नहीं हुआ. ही इज़ परफेक्टली फाइन. हिज सेकेंड डोज हैपेंड अभी येस्टरडे लाइक 20th को एंड ही इज़ परफेक्टली फाइन. वहीं मेरे बड़े चाचा जी को काफ़ी फीवर आया है. माई ब्रदर डिडंट गेट दैट मच फीवर. उसको हल्का सा बॉडी टेम्परेचर था. ही डिडंट फील दैट मच वीक एज वेल जितना मेरी हालत ख़राब थी. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. प्लीज़ डोंट अज्यूम कि आपके साथ ही होने वाला है एंड मेडिसिन लेके बैठ जाना. नॉट रियली द राइट थिंग टू डू आई वुड से. बेफालतू की मेडिसिन क्यों खानी है. But get vaccinated. If your state has vaccinations, please get it done. Like, get it done as soon as possible. Get vaccinated and stay safe at home. I hope this vlog was fun. I'll see you next time. Bye.